मैं सीताराम गुर्जर, मेरा चैनल का नाम है सीताराम एफ एंड बी सर्विस एंड म्यूजिक कंपनी के नाम से। मैं आपको डे बाय डे एक छोटा सा वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, जिसके अंदर आपको फूड एंड बेवरेज की नॉलेज और प्रोडक्शन से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड नॉलेज आपको देता हूँ। जितना मेरे पास मेरी नॉलेज है, मेरा अनुभव है, उसके अकॉर्डिंग आपको मैं डेली बताता हूँ। आज हम एक और नया चैप्टर लेके आए हैं जो आप लोगों को बता रहे हैं। हम आज F&B पर पूरा विचार विमर्श करके F&B के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, उसके रीजन के कारण हम वीडियो शॉर्ट आउट करने के लिए आज केवल ओनली फॉर F ही बात करेंगे। F बोले तो फूड, फूड बोले तो फूड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फूड रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में जो खाना मिलता है वो कितने प्रकार के होते हैं, उस इस सब्जेक्ट पर, इस चैप्टर पर आज हम आपको बातचीत करेंगे। तो आप, इससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जितने भी लोग मेरा वीडियो देखते हैं, आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है, आप लोगों को हमारी नॉलेज अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियो को, हमारे जो चैनल है सीताराम F&B सर्विस एंड म्यूजिक कंपनी, तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब आता है, बारी आती है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फूड रेस्टोरेंट, ये चैप्टर है हमारा। तो मैं देखिए आपको बताता हूँ, मेरे हिसाब से, मेरी जो छोटी सी नॉलेज है उसके हिसाब से 8 टाइप्स ऑफ फूड रेस्टोरेंट, 8 प्रकार के रेस्टोरेंट होते हैं। उन कौन कौन से होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, उनके उदाहरण भी मैं आपको देता जाऊँगा और कौन कौन से होते हैं। पहले मैं आपको सबसे पहले उनके नाम गिना देता हूँ जो 8 रेस्टोरेंट है। पहला होता है QSR फास्ट फूड रेस्टोरेंट, ये पहला है, एक नंबर। QSR की हम आपको फुल फॉर्म भी बताएंगे, फास्ट फूड रेस्टोरेंट होता है। दूसरा होता है कौशल डाइनिंग रेस्टोरेंट, और तीसरा होता है फास्ट कौशल रेस्टोरेंट, चौथा होता है कॉन्टेम्प्रेरी कौशल रेस्टोरेंट, और पांचवा होता है कैफेज, छठा होता है पिजरियस, पिजरियस का मतलब होता है पिज्जास, और सातवां होता है पॉपअप रेस्टोरेंट, और चौथा होता है घोस्ट किचन। ये हमारे 8 प्रकार हो गए। आप लोगों को समझ नहीं आया होगा कि इन्होंने क्या क्या कैसे कैसे बोल दिया जल्दबाजी में, अब हम आपको देखिए विस्तार से बताते हैं। QSR की फुल फॉर्म आपने, हो सकता है आपको HM में भी नहीं मिले, होटल मैनेजमेंट के लोग भी नहीं बताएं, हम आपको बताते हैं। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, क्विक बोले तो तुरंत, इस प्रकार के रेस्टोरेंट जो होते हैं, फास्ट फूड रेस्टोरेंट होते हैं, वो क्विक बीट के नाम से, जो बाइट के नाम, बीट के नाम से जाने जाते हैं, जिनमें तुरंत खाना परोसा जाता है। देखिए, तुरंत तैयार किया और खाना परोस दिया, ये QSR जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट होते हैं, फास्ट फूड रेस्टोरेंट होते हैं, ये किस्में आते हैं। कौशल डाइनिंग रेस्टोरेंट, अब आप बोलेंगे ये क्या है, देखिए शानदार रेस्टोरेंट होना चाहिए, शानदार बोले तो प्रॉपर फाइन डाइन होना चाहिए, मल्टी क्यूजन होना चाहिए, ये होता है। इसमें क्या होता है, देखिए हिंदी में मैं आपको बताता जाता हूँ, आकस्मिक, अचानक कोई भी आ जाए और उस रेस्टोरेंट में प्रॉपर ऑर्डर ले हुए और तुरंत खाना परोस दे हुए, ये होते हैं कौशल डाइनिंग रेस्टोरेंट, जो शानदार रेस्टोरेंट के रूप में जाने जाते हैं। फास्ट कौशल रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट बहुत शानदार है पर उसकी सर्विस आकस्मिक, अचानक आने के बाद भी बहुत जल्दी से आपको फास्ट सर्विस मिलती है, वो आते हैं फास्ट कौशल रेस्टोरेंट के अंदर। कॉन्टेम्प्रेरी कौशल रेस्टोरेंट, इसमें देखिए सामिक, आकस्मिक, समकालीन, मतलब तुरंत थोड़े समय के अंदर आपको जो है सर्विस तुरंत मिल जाए, तुरंत अच्छा खाना मिल जाए, अच्छी क्वालिटी के, मल्टी क्यूजन मिले, वर्ल्ड क्यूजन मिले, ये इस प्रकार के रेस्टोरेंट होते हैं। पांचवा आता है कैफेज, देखिए कैफेज क्या है, आप ये बोलते होंगे, ये एक इंग्लिश का अरबी वर्ड है, फारसी वर्ड है, इसको अरबी नहीं है, ये फारसी वर्ड है कैफेज, इसको हिंदी में हम इसका अर्थ करते हैं तो कहवा घर होता है, कहवा घर। अब आप बोलेंगे ये क्या अर्थ होता है, देखिए साइलेंट पैलेस, खामोश जगह, जहां चुपचाप होता है, ये एक इस प्रकार का कैफेज होता है।
जहाँ खामोश, एकदम चुपचाप खामोश बैठे हो, साइलेंट मोमेंट में हो, ऐसी जगह पे हो, वो कैफेज होते हैं। उसमें देखिए कपल्स आता है, अपने मन सुख मन दुख की बातें जो बतलाता है, जो भी आपस की बातें होती हैं शेयर करता है आपस में, और वो साइलेंट तरीके से होता है, चुपचाप, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। प्रो जिसको बोलते हैं प्राइवेसी, वो ऐसे चाहते हैं, इन ऐसे तरह के कैफेज होते हैं। पिज्जास, जो पिज्जरियास होता है, मेरा कहने का मतलब पिज्जे जो होते हैं, कोंटी टाइप के जो रेस्टोरेंट होते हैं, वो जैसे आपको फॉर एग्जांपल के रूप में हम जो बताएं, जैसे पिज्जा हट हो गया और डोमिनोज हो गया, ओनली केवल पिज्जे की सर्विस जो देते हैं, जो कोंटी ओनली रेस्टोरेंट होते हैं उनमें ओनली पिज्जा ही मिलता है, वो पिज्जरियास होते हैं। पॉपअप रेस्टोरेंट, अब आप बोलेंगे ये क्या होता है, अचानक कोई भी नजर आ जाना, सेल्फ सर्विस जिसके अंदर आती है, जो अचानक आए और तुरंत टोकन लिया और तुरंत सर्विस जो मिल जाती है, वो पॉपअप रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं। अभी आ जाते हैं अपन गोस्ट किचन रेस्टोरेंट। देखिए गोस्ट किचन रेस्टोरेंट किसको कहते हैं, ये एक इंग्लिश का वर्ड है गोस्ट। अब आप बोलते होंगे इसको, कई लोग तो समझेंगे ये तो नॉनवेज का नाम ले रहा है, ऐसा नहीं है, इसका हिंदी वर्ड होता है क्लाउड किचन, जिसमें अंदर क्राउड हो किचन के अंदर, वो गोस्ट किचन कहलाता है, जिसके अंदर तरह तरह के व्यंजन कम पैसे में और बहुत सारी टाइप के मल्टी क्यूजन जो होते हैं, वर्ल्ड क्यूजन जो होते हैं, जिसके अंदर क्राउड होता है, जो वर्ल्ड क्यूजन बोले तो इंटरनेशनल, नेशनल, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह के, जैसे हमारे इंटरनेशनल इंडिया, वो आउट ऑफ इंडिया, और नेशनल बोले तो इंडिया, दोनों तरह के मिक्स क्यूजन जो होते हैं, जिसको हम बोलते हैं बहुत सारे टू मच मनी मनी टाइप्स ऑफ वैरायटी, जो बहुत प्रकार की वैरायटियां मिलती है, वो गोस्ट किचन, उसको गोस्ट किचन कहते हैं। इस प्रकार से हमारे 8 प्रकार के आपको फूड रेस्टोरेंट हो गए। अब आपको मैं एक छोटी सी वैरायटियां देता हूँ, आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको आज, मैं बताता हूँ कि देखिए रेस्टोरेंट आपने सुन लिए, देख लिए, बहुत प्रकार के रेस्टोरेंट होते हैं, इन रेस्टोरेंटों में देखिए मनी मनी टाइप्स ऑफ फूड मिलता है, इनको हम जो बोलते हैं QSR बोला, कोई किसी को क्या बोला, किसी को फास्ट फूड बोला, किसी को क्या बोल दिया, किसी को क्या बोल दिया। देखिए मैं आज आपको एक ही उदाहरण देना चाहता हूँ, रेस्टोरेंट बहुत टाइप के होते हैं, आज की दुनिया में एग्जीक्यूटिव जो होता है इंडिपेंड इन एग्जीक्यूटिव, शेफ के ऊपर डिपेंड होता है मोस्टली, और ऑनर के ऊपर डिपेंड होता है, और चैन ग्रुप, इंटरनेशनल ग्रुप, चाहे हिल्टन ग्रुप हो, चाहे ताज का ग्रुप हो, चाहे मेरे जो बोलते हैं अपन इसको प्राइड का ग्रुप हो, चाहे डबल ट्री हो, चाहे सिंगल ट्री हो, चाहे कोई सा भी ट्रिपल ट्री हो, कोई भी ग्रुप हो, कोई भी चैन हो, इनमें जो कॉरपोरेट होता है, डिपार्टमेंट जो होता है, वो डिसीजन लेता है हमें किस प्रकार का रेस्टोरेंट यहाँ पे स्पेस पे चलाना होता है, जहाँ जैसी सिचुएशन होती है वहाँ उस तरह के होटलें बनती हैं, 5-star होटलें बनती है, उनके सारी सुविधाएं रहती है वहाँ पे, उसी प्रकार से उसको जैसे कोई हेरिटेज लुक देता है, जैसे हमारे राजस्थानी थीम में होता है, कोई जैसे हरियाणी थीम में होता है, कोई गुजराती थीम में होता है, कोई किस तरह से अलग अलग स्टेट वाइज डिपेंड करता है कॉरपोरेट डिपार्टमेंट में, जो जहाँ जिस तरह से खोलते हैं उसी तरह से उन लोगों को मिल जाता है। आज का वीडियो हम इतना ही बताएंगे, क्योंकि देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसके कारण देखिए छोटे छोटे क्लाइंट्स जिनको टाइम नहीं होता है वो देख नहीं पाते हैं, इसलिए देखिए मैं एक छोटा सा सीताराम गुजर, और मेरा मैं अभी प्रेजेंट में चिलगाड़ी के अंदर जॉब कर रहा हूँ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 के अंदर है ये, जो एक छोटा सा हमारा, वैसे मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा ग्रुप है ये, पर एक आप लोगों को देखिए बहुत छोटा सा लग रहा होगा, मेरे हिसाब से ये मेरे लेवल पे नेशनल लेवल का ग्रुप बनने जा रहा है कुछ ही समय में, क्योंकि हमारे रिजोर्ट पार्ट भी आ रहे हैं, होटल्स भी हैं, स्वीट्स भी हैं, रेस्टोरेंट भी है, फाइन डाइन भी है, मल्टी क्यूजन भी है, वर्ल्ड क्यूजन भी है, हमारे कैफेज भी हैं, तो हमारा चिलगाड़ी जो ग्रुप है एक बहुत मेरे लेवल पे तो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है जो है ये ग्रुप है, इसलिए आप लोगों से मैं एक ही निवेदन करूँगा, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो, हमारी नॉलेज,
हमारी समझ, हमने जो आपको बताया है, अगर आप लोगों को समझ आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, लास्ट में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू एंड गुड लक।